नमस्कार, सिटी स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। एबीवी आंदोलनरत पारा शिक्षकों एवं पत्रकारों पर रांची में हुए लाठीचार्ज के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा शुक्रवार को टावर चौक पर सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास का पुतला दहन किया गया। यहां इस कार्यक्रम में पार्टी के जिलाध्यक्ष अनिल यादव, प्रदेश सचिव वीरेंद्र यादव, प्रदेश महासचिव हरीश यादव, युवा प्रदेश सचिव जोगेश्वर कुमार, इमाम आलम, शहनवाज अंसारी, गोविंद यादव, सुरेंद्र यादव, चंदन रजक, पप्पू यादव, मोहम्मद मुमताज अंसारी, नीलेश कुमार, सुनील कुमार बर्मन, मनोज तुरही, नंदलाल रविदास, विनोद यादव आदि मौजूद थे। बताया गया कि लंबे वक्त से पारा शिक्षक आंदोलनरत है, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। इस बार आंदोलन कर रहे पारा शिक्षकों को बेरहमी से पीटा गया है, वहीं पत्रकारों के साथ भी मारपीट की गई है। यह सरकार की निरंकुशता को दर्शाता है। अगुवाओं ने इस घटना के लिए झारखंड सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की है। गिरिडीह से अख्तर इमाम की रिपोर्ट। आज ये झारखंड सरकार है, उन्होंने जो हमारे शिक्षा के स्तंभ हैं, जो हमारे बच्चों को शिक्षा देते हैं, जो हमारे समाज को बनाते हैं, हमारे देश को बनाते हैं, उन शिक्षकों पर इस तरह का तो जो अत्याचार किया गया, प्रवर्तापूर्ण मारा गया, इसके लिए आरजेडी इसका घोर विरोध करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है और इसको हम न बर्दाश्त करेंगे और इसके खिलाफ जितना जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम इसे आंदोलन करेंगे और इस सरकार को गिराने का काम करेंगे। जय झारखंड, जय आरजेडी।